अस्सलामुअलैकुम News.TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद नबील। जैसा कि हम जानते हैं कि मखलूक खुदा की खिदमत सबसे अहम फरीज़ा भी है और ये सबसे बड़ी नेकी भी है, इसलिए हम सब में से हर ज़ीरो की ये कोशिश होती है कि वो लोगों के काम आए और अपने लिए नेकियों का सामान तैयार करें। लेकिन जब भी आवाम की खिदमत की बात होती है तो अलखिदमत फाउंडेशन हमेशा ही हमें पहली सफ़ों में मिलती है। तो आज हम मौजूद हैं अलखिदमत फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे इनकी एनुअल क्लॉथ पैकेजिंग कम्पेन है वो स्टार्ट हो गई है। ये लोग जो यतीम ऑर्फनेज के बच्चे हैं उनके लिए जो क्लॉथ्स हैं वो पैक कर रहे हैं और बाद में इसके जो तकसीम है वो करेंगे। फाउंडेशन, जैसा कि आपको मालूम है, अलखिदमत फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों बच्चों के अंदर जो है कपड़ों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मुमकिन बना रहा है। तो इस सारे काम के अंदर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने वॉलंटियर्स का, जो इंतहाई एग्रेसिवली अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से वक्त निकाल कर, अपनी पढ़ाई में से वक्त निकाल कर, इंतहाई खलूस के साथ जो है इस पूरी एक्टिविटी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इंशाल्लाह हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो इंतहाई मुस्तहिक जो बच्चे हैं उनके अंदर। तो मैं अपील करता हूँ तमाम वॉलंटियर से भी कि आप भी इस कार्य खैर में हमारे साथ तावुन करें। बहुत मेरा नाम आयजा सलीम है और मैं अलखिदमत की 2019 से एम्बेसडर हूँ। अलखिदमत हर साल की तरह इस साल भी क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन में होता यह है कि डोनर्स कपड़े डोनेट करते हैं और हम सब वॉलंटियर्स मिलकर बहुत खलूस से इन कपड़ों को पैक करते हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें। आज अलखिदमत कॉम्प्लेक्स के अंदर हम मौजूद हैं और आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे डोनर्स की तरफ से क्लोथ्स भेजे गए हैं उसकी पैकिंग चल रही है और पैकिंग के साथ साथ यहाँ पे बेहतरीन तरीके के साथ इनको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ तक बेहतरीन अंदाज में इसको इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ये कपड़े जो हैं हज़ारों तादाद में बच्चों को जो गरीब हैं यतीम हैं उनको दिए जाते हैं और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भी इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल हों।